हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं डार्क चॉकलेट की मिठाई, जिसे बड़े भी पसंद करते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं, और हम इसे त्यौहार पे भी बना सकते हैं। वैसे भी कभी ये मनचाहा भी बना सकते हैं, कभी भी बच्चों को बहुत पसंद आता है ये। देखिए, आज हम डार्क चॉकलेट जो बाजार में मिल जाती है, डार्क कुकिंग चॉकलेट है ये, मैं इससे मिठाई बनाने जा रही हूँ, लड्डू और बर्फी। जिसके लिए मैंने ये 8 बिस्किट लिए हैं और 8 पीस ये लिए हुए हैं डार्क चॉकलेट के पीस, और ये मैंने बादाम कूट के रखी है दरदरी, और दूध लिया है। इसको देखेंगे, ये चारों चीज़ों से हम अपने बर्फी और लड्डू बनाएंगे। जो मैं यहाँ पर ग्लूकोस बिस्किट इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई से भी बिस्किट ले सकती हैं, विदाउट शुगर के ले रही हूँ, इसलिए ये थोड़े मीठे होते हैं बिस्किट, इसलिए मैं विदाउट शुगर बना रही हूँ। अगर आप कोई और, जैसे मेरी बिस्किट है उसमें शुगर थोड़ी सी आपको डालना पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ ग्लूकोस बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। देखेंगे किस तरह से बनाते हैं। अब हम ये बिस्किट को मिक्सर में पीस लेंगे या कूट लेंगे, जैसे भी बारीक, जो मैंने कूट के रखे हुए हैं बारीक, इस तरह से इसका चूरा बना लें। और देखेंगे ये फटा, ये देखिए, पहले हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे इसमें और डार्क चॉकलेट डाल देंगे। इसको पिघला लेंगे सिम। देखिए ये उबल गया अच्छे से, मिक्स हो गया। अब हम इसमें जल्दी से बिस्किट डाल देंगे और चला देंगे इसको फटाफट। देखिए ये इतना गाढ़ा हो जाए तो हम गैस बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे, बाहर निकाल लें। इतना गाढ़ा रहना चाहिए। ये देखिए, बर्फी जमाने के लिए हमने इसमें घी लगा रखा है। हम इसके दो भाग कर लेंगे, एक लड्डू का एक बर्फी का, जिसमें हम बर्फी को ऐसे ही जमाएंगे, ऊपर से लगाएंगे ड्राई फ्रूट। एक फॉइल रख के हम इसको कर लेंगे, गरम गरम होता है क्योंकि। इस तरह से जमा देंगे और इस पर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। इसको हल्के हाथ से दबा दें और इसको सेट करने हमें फ्रिज में रखना पड़ेगा। फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए, फिर इसको इसकी कटिंग करेंगे हम। लड्डू वाले में हम थोड़े बादाम मिला देंगे। आवश्यकता अनुसार ड्राई फ्रूट मिला लें।
हम इसके लड्डू बना लेते हैं। अब हम इनको भी सेट करने लग देंगे। ये देखिए सेट हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, इसको निकाल लेंगे किनारे से। इनको हटा लें किनारे। इसके चाहे तो आप लड्डू वापस से इसके लड्डू बना सकती हैं। तो इसके बड़े पीस जैसे भी आप रखना चाहें। ये लीजिए डार्क चॉकलेट की लड्डू और बर्फी तैयार है। खाएं, खिलाएं और मौज मनाएं। बनाने के बाद भी इसको हम फ्रिज में रखेंगे।